ऑब्वियसली हम सिम बेचते थे, बिल्कुल हमने सिम बेचा, सिम बेचते थे तो तब भी रिव्यूज़ मिलते थे कस्टमर के, तभी वो बोलते थे हाँ जी नेटवर्क अच्छा है। अब हम पिज़्ज़ा बेचते हैं तो लोग बोलते हैं स्वाद अच्छा है। कहते हैं ना रिस्क तो लेना ही पड़ता है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर वोंट ग्रो, सो टू ग्रो एक्चुअली रिस्क इज़ रिक्वायर्ड। इस वक्त हम फेमस टूरिस्ट स्पॉट कसौली में है, और कसौली कौन नहीं आना चाहता, यहाँ पर लोग दूर दूर से भी यहाँ पर घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर घूमने आएंगे उनको खाने को क्या मिलेगा और कहाँ उनको बेहतर मिल सकता है, बस आज खाने में क्या है वही चीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम हैं यहाँ कसौली, आप देख सकते हैं कसौली चौक से जब आप मुड़ेंगे और आपको सबसे पहले ये बोर्ड नज़र आएगा जो कैफ़े यहाँ पर है और शुभमिता के नाम से है। अभी हालांकि ये नया जो कैफ़े है वो खुला है, लेकिन यहाँ की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगी और सीढ़ियाँ चढ़कर हम चलते हैं वहाँ पर और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या खास मिलता है खाने को। और यहाँ की आप खूबसूरती भी देख सकते हैं कि खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये कुछ चंद सीढ़ियाँ हैं, 10-15 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं, हालांकि अभी 3 से 4 मंथ ही इसको बने हुए हुए हैं। और एक छोटी सी हट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी और बस यही है शुभमिता कैफ़े। और चलिए आपको अंदर भी दिखाते हैं कि कैसा है ये, और आप देख सकते हैं कि अभी ओपन है। और यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है यहाँ का इंटीरियर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माहौल कैसा है और कितना अच्छा ये बना हुआ है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जो लोग बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर बैठे हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर माहौल है और सभी यहाँ पर हाइजीन का ख्याल रखा गया है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और मैंने सुना कि कई जो फिल्म्स का है यहाँ पर शूटिंग्स भी हो चुकी है और कई पंजाबी सॉन्ग्स की यहाँ पर शूटिंग होती है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर जो बल्ब लगाए गए हैं, ग्रीनरी का पूरा यूज़ किया गया है, ऐसा लगता है कि जो हम किसी रशियन जो कैफे में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी मैंने सुना है कि जो पिज़्ज़ा है वो मिलता है, पास्ता भी बहुत यहाँ का जो फेमस है और जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है, और ऐसे ही पास्ता भी बहुत ही ज़्यादा जो खाने में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो है यहाँ पर। और क्या इसकी खासियत रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ इनको यहाँ पर आकर जो खाना है कैसा लगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बताएंगे जैसे आई लव कसौली का यहाँ पर साइन बोर्ड भी है और सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बना हुआ है, और जो लोग हैं यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्योंकि कसौली है ही इतना अच्छा, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ है वो भी यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, और इसी बर्फ़ के जो किनारे है ये शुभमिता कैफ़े आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जो ये कैफ़े है बिल्कुल टॉप पर बना हुआ है और ऐसा लगता है कि जो जन्नत में है वहाँ पर आ गए हैं, और ऐसे में स्वादिष्ट खाना मिल जाए और वो भी साफ़ सुथरा और स्वच्छ तो बात ही कुछ और है। तो आइए हम भी यहाँ पर टेस्ट करेंगे यहाँ का फूड और आपको बताएंगे कि यहाँ पर मैंने तो खाया है और फिर तभी मैंने आपको बताया, लेकिन आपको फिर से एक बार मैं टेस्ट करवाऊँगा यहाँ का जो स्वादिष्ट पिज़्ज़ा है। तो आइए चलते हैं अंदर। पहले तो एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का, आई रियली लाइक द प्लेस, और वेदर भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है, और मतलब फूड वाज आल्सो गुड। वी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, इट वाज वेरी वेरी यम्मी, एंड वी हैव ऑर्डर टू मोर पिज़्ज़ाज एंड रैप्स आर आल्सो गुड, डिफरेंट एज एन देखो इसका जो थिन क्रस्ट था
सो विच इज़ वेरी गुड. मोटा मोटा सा जो होता है ना, बेक नहीं होता प्रॉपरली, सो वो इतना टेस्टी नहीं लगता. तो इट वॉज अ थिन क्रस्ट, सो आई रियली एंजॉयड फूड. तो क्या और लोगों को बोलेंगे कि हाँ? यस डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड आई रेफर माई, मतलब आई डेफिनेटली रिकमेंड पीपल, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली टू डू विजिट. पहली बार सबसे पहले तो ये बर्फ़ का मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि बर्फ़ मुझे मिलेगा. तो मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे बर्फ़ मिला तो मैं बहुत खुश हो गया. फिर ऊपर आया तो फिर बर्फ़ मिला तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. फर्स्ट टाइम आया मैं यहाँ पे. हमने मतलब जो फास्ट फूड ही ऑर्डर करा था, बर्गर ऑर्डर करा, बट बहुत अच्छा था. हम खा के देखने में बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया. पास्ता ऑर्डर करा था, पास्ता भी बहुत मतलब अच्छा लगा हमें. और एम्बियंस कैसा लगा? सब कुछ अच्छा, सब मतलब जो अंदर में व्यू है, जो इंटीरियर करा हुआ है, सारा बहुत अच्छा लगा मेरे को. तो आप लोगों को और रिकमेंड? हाँ हाँ, रिकमेंड करूँगा कि मैं आप यहाँ आओ, आप विजिट करो. और मतलब जो भी है इंटीरियर, आपने जो चेयर्स लगाए हैं, चेयर्स मुझे बहुत पसंद आया. चेयर्स के साथ वो लॉक करके ऊपर जो वो टेलीफोन टाइप का कुछ बनाया, वो भी बहुत अच्छा, मतलब शूटिंग टाइप एरिया है, अच्छा लगा. कहते हैं ना, रिस्क तो लेना ही पड़ता है. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर वोंट ग्रो. सो टू ग्रो एक्चुअली रिस्क इज रिक्वायर्ड. और अपने सेल्फ के काम में तो रिस्क लेने में आई थिंक सो जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में नहीं है. जैसे आपने बात किया, पहले ऑब्वियसली हम सिम बेचते थे. बिल्कुल, हमने सिम बेचा. सिम बेचते थे तो तब भी रिव्यूज़ मिलते थे कस्टमर के, तभी वो बोलते थे हाँ जी नेटवर्क अच्छा है. अब हम पिज़्ज़ा बेचते हैं तो अब लोग बोलते हैं स्वाद अच्छा है. सो ऑब्वियस है, देखिए हम कुछ चीज़ों में बहुत ध्यान रखते हैं. अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम सबसे बड़ी जो ध्यान रखते हैं, हम क्वालिटी में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. वी वर्क ऑन क्वालिटी. हमारा जो कुछ भी सामान हम बनाते हैं, हम फ्रेश बनाते हैं. मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमने रेडीमेड बना के रख दिया, आप आए और मैंने आपको सर्व कर दिया. आप आएंगे, हम आपको फ्रेश पिज़्ज़ा बना के देंगे. तो जब आप कोई चीज़ फ्रेश बनाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो डिश होती है अपने आप बोलती है. आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती बंदे को, क्योंकि आपको स्टेल दोगे तो पता चल जाएगा कि स्टेल, अब फ्रेश दोगे तो पता चलेगा इट्स फ्रेश. तो जब आप कोई फ्रेश दे रहे हो, आप अच्छी क्वालिटी पे काम कर रहे हो, आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो हम इसे लोग खुश होते हैं. और पहले जो आप थे ब्रांड के साथ में काम करते थे, लेकिन अब आपको अपना ब्रांड वर्क करना पड़ा जी, तो थोड़ा मुश्किल भी है. देखिए सर, कुछ स्टार्टअप करते हैं तो ऑब्वियसली हिकअप्स तो होते ही हैं और टीदरिंग इश्यूज भी आते हैं, वो तो है ही है सर. अब अपनी ब्रांड हमने खुद शुरू किया है, उसको डेवलप कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है और कि जिस स्पेस पे हम काम कर रहे हैं और जैसे हम काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कैफे शुभमिता वुड बी अ नेम इन दिस सराउंडिंग एरियाज. बिकॉज हमें भी कस्टमर बोल के जाते हैं. इनफैक्ट अभी पिछले दिनों बिहार के कस्टमर स्पेशली बोले गए हैं कि यू शुड ओपन अ ब्रांच इन चंडीगढ़ ऑल्सो. सो वैसे ऐसी चीज़ें जब कोई कस्टमर बोल के जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी मोटिवेशन मिलती है. और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो देखो हमारे कैफ़े की जो मेन अट्रैक्शन, अगर जैसे हम बात करते हैं पिज़्ज़ा तो ऑब्वियसली है, पर जो हमने बनाया ना उसको, हमने इसको विंटेज थीम पे बनाया है. तो बेसिकली आप किसी भी कैफ़े में जाते हैं, आजकल थीम बेस्ड कैफेज बहुत चल रहे हैं. हमारा है विंटेज थीम के ऊपर. हमारे जो चीज़ें हमारे कैफ़े में रखी गई हैं या जो हम चीज़ें दिखाते हैं कस्टमर्स को, सब पुरानी ऑथेंटिक चीज़ें हैं. 1940s की न्यूज़पेपर्स हैं, 1920 के आर्टिकल्स हैं. हमारे पास एक सेफ है जो 1800s का सेफ है. सो ये चीज़ें पुरानी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं. लोग आते हैं, न्यूज़पेपर्स को बकायदा पढ़ते हैं एंड देन दे ट्राई टू रिलेट विद थिंग्स कि अच्छा उस टाइम में ऐसी चीज़ें होती थी या ये चीज़ मिलती थी या उस टाइम में न्यूज़ में ऐसा था, उस टाइम में न्यूज़ में ऐसा था. तो वो बहुत अच्छा एस्पेक्ट और बहुत अच्छा पॉइंट देता है हमारे को. फूड विद नॉलेज. यस, फूड विद नॉलेज, एक्चुअली फूड विद नॉलेज. अब जैसे कि लास्ट में मैंने बताना होता कि यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो है कैसा, और यानी टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा. और क्योंकि लास्ट में हम यही करते हैं कि खाने में क्या है, और पिज़्ज़ा मैंने आपको बोला था कि पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा मेरा जो है वो आ गया है. और आप देख सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा है, और पहले तो ये देखिए कि कितना कलरफुल पिज़्ज़ा है ये. और आप सब देख सकते हैं कि इसमें चीज़ है और इसमें टोमेटोज़ है, चिलीज़ हैं, चिलीज़ फ्लेक्स हैं, मशरूम इसमें भी है. और सबसे ज़्यादा ये है कि ये ज़्यादा मोटा नहीं है, हैवी नहीं है, और बिल्कुल क्रिस्पी टाइप में ये नज़र आ रहा है. और इसमें आप ये चीज़ दे सकते हैं, बस यही तो चीज़ है जो दिल में उतर जाती है, क्योंकि ऐसा पिज़्ज़ा आप आसपास कहीं पे भी एरिया में देख नहीं पाएंगे. तो इसमें जैसे कि अगर आप कसौली आते हैं, तो अगर आपने इस चीज़ का मज़ा लेना है और इस पिज़्ज़ा का मज़ा लेना है, तो आपको ये जो पिज़्ज़ा है वो यहीं पर मिलेगा, और वो भी शुभमिता में, और वो भी इतना देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है. और आप देखिए कितना थिन है और कितना ये क्रिस्पी है, और देखकर ये मज़ा आ रहा है. और अगर इसको खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं. और लेकिन उसके लिए आपको चंडीगढ़ हरियाणा से आपको कसौली आना पड़ेगा, और वो भी शुभमिता में जो कैफ़े है, ये थोड़ा सा ऊपर है.
ध्यानचंद की जो यहाँ पर स्टैचू लगी हुई है, स्टैचू से जैसे ही आप टर्न करेंगे, बस टर्न करते ही आपको ये शुभमिता जो कैफ़े है वो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़कर है, और जैसे ही आप स्टेयर्स चढ़कर देखेंगे तो, और जब आपको लजीज खाना मिलेगा तो यही आपको मिलेगा। और मैं थोड़ा सा बाइट कर लेकर दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि कितना टेस्टी ये बना हुआ है, और टेस्टी भी बहुत है और साथ में क्रिस्पी भी बहुत है। जो और आप डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाते हैं या पिज़्ज़ा हट में खाते हैं, बस उसी क्वालिटी का जो पिज़्ज़ा है, मैं तो कहूँगा उससे भी बढ़िया ये जो लग रहा है। और अगर आप फैमिली के साथ में आते हैं तो एक तो एम्बियंस बहुत अच्छा है, और आपने देखिए सबसे पहले तो कि जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे राजसी चेयर पर आप बैठे हुए हैं और आप राजसी भोज का आनंद ले रहे हैं। और इतना अच्छा डिलीशियस फूड वो भी हिल एरिया में अगर आपको मिले तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा। और अब एक और चीज़ आ गई, गार्लिक ब्रेड। आप एक गार्लिक ब्रेड भी देखिए, और गार्लिक ब्रेड देखकर भी किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। और देखिए चीज़ है ना, जो ये ऐसी चीज़ आजकल डालता नहीं है कोई, क्योंकि कॉस्ट कटिंग में जो लोग आ जाते हैं ना तो बस वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं और कोई भी दूसरी सॉस है वो डालकर उसको भर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो डिलीशियस फूड अगर आपने खाना है, जैसे कि आप देखा गार्लिक ब्रेड, ब्रेड देख के ही ऐसा लग रहा है कि क्रिस्पी इतनी ज़्यादा हो गई, और साथ में खाने में भी इतनी यानी डिलीशियस ये लग रही है। इसको भी मैं टेस्ट करके बताता हूँ। गरम गरम यमी है भाई, फूड हो तो ऐसा ही हो। और कसौली में हिल स्टेशन पर ज़्यादातर खाने को इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ये नया जो कैफ़े है खुला, मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू कर दिया जाए। और रिव्यू करने के लिए यहाँ पर आया था, पर मुझे नहीं इतना अंदाज़ा था कि इतनी बढ़िया चीज़ यहाँ पर होगी, और वाकई ये बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर आएँ और ज़रूर परिवार के साथ में आएँ। वो रेट्स भी कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल रेट्स हैं, और आप बहुत ज़्यादा फूड इंजॉय करने वाले हैं। तो जैसे ही कुछ नई जगह पर जाएंगे वहाँ की भी अपडेट देंगे और बताएंगे कि खाने में क्या है। तो आप जो पिज़्ज़ा, शानदार पिज़्ज़ा, और जो पिज़्ज़ा है वो दिल पे उतरने वाली बात है, और ये वाकई दिल में उतर रहा है। और सभी लोगों से जब हमने पूछा और उनके रिव्यूज़ भी लिए तो उन्होंने भी कहा कि वाकई जो पिज़्ज़ा होना चाहिए तो बस ऐसा जो भूख शांत करते हैं, और ये तो भूख बढ़ा रहा है और आपकी भी बढ़ाएगा। आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।